नमस्कार, मैं अमर शर्मा और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। आज खबरें फटाफट में बात करेंगे देश की तीन बड़ी खबरों की। आज कृषक संगठनों और सरकार के बीच नए दौर की वार्ता शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, पिछली कई वार्ता के दौरान अब तक निष्कर्ष निरंक रहा है। आज नए दौर की वार्ता है और किसान अपने गारंटी को यानी कि MSP पे लगे गारंटी और कृषक बिल को वापस लेने पे अड़े हुए हैं। साथ ही इन दोनों मुद्दे पर सरकार MSP को लेकर चर्चा करने के लिए तो तैयार है, मगर कृषि बिल को वापस लेने के लिए सहमति नहीं बना रही है। आज केंद्रीय रेलवे मंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की मौजूदगी में यह दौर की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इस बैठक के पहले गृह मंत्री अमित शाह से पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर की लंबी वार्ता चली है। देखना यह है इस वार्ता का भी अंत में कोई निष्कर्ष निकलता है या मीटिंग अधूरी रह जाती है। बेलगाम होते जा रही उत्तर प्रदेश की आपराधिक घटनाएं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में दिनों दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीते दिन बदायूं जिले में 50 वर्षीय अधेड़ महिला के साथ रेप के साथ साथ हत्या की भी वारदात हो चुकी थी। अब ये मामला ठंडा हुआ नहीं था कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 19 वर्षीय युवती के साथ पड़ोस के रहने वाले युवक ने न सिर्फ गन पॉइंट पर रेप घटना को अंजाम दिया, बल्कि युवती के शोर मचाने पर उसे छत से नीचे भी फेंक दिया। युवती को फिलहाल गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, वहां युवती का उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रशासन मौन है। पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर भारत के समर्थन में पहली बार फ्रांस खुलकर सामने आया है। गुरुवार को ही बैठक में फ्रांस के कूटनीतिक सलाहकार मिस्टर बॉन ने बयान दिया है कि वे हमेशा से ही भारत के पक्ष में रहे हैं। साथ ही कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान के खिलाफ वो खुलकर हमेशा से अपना समर्थन देते आए हैं। अब यदि चीन अपने नियमों का उल्लंघन करता है तो फ्रांस भारत के साथ खुलकर समर्थन में खड़ा रहेगा। अंत में मिस्टर बॉन ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में वो क्वैड समूह के साथ एक नौसेना अभ्यास भी कर सकते हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमसे, देखते रहें द भारत पोस्ट। नमस्कार।